नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों एक बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है आप लोगों को, एक बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ देना है आप लोगों को, जिसका इंतज़ार आप लोग बहुत दिन से कर रहे थे कि जून में कोर्ट बंद है, उसके बाद क्या होगा जुलाई में। देखिए अभी जुलाई आया ही नहीं, केस लिस्टेड हो गए हैं दोस्तों, और एक साथ बहुत सारी खुशी मिली है आप लोगों को। एक बात मैं बता दूँ, जो बात मैं पहले कहता था 60% कट ऑफ पे सब सुरक्षित हैं, अगर एक चीज़ हो जाती है 21,000 सीटों का फैसला हो जाता है तो मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ दोस्तों 55-60 कट ऑफ पर भी आप सुरक्षित हैं, और 40-45 जीरो कट ऑफ तो होना ही नहीं है, और 55-60 कट ऑफ पर भी आप सुरक्षित हैं अगर 21,000 सीटों का फैसला हो जाता है दोस्तों। तो 3 जुलाई को बीएस चौहान की पीठ में 21,000 सीटों का फैसला होना बाकी है दोस्तों, 21,000 सीटों का फैसला। और एक बात और बता दूं, जैसा कि सरकार ने कहा है कि जुलाई के अंदर ही अंदर जितने लंबित मामले हैं सारे लंबित मामलों का निस्तारण हो जाएगा, तो 21,000 सीटों का जो फैसला 3 जुलाई को, मतलब 3 जुलाई को डेट लगी हुई है, तो ऐसा अगर 3 जुलाई को फैसला नहीं भी आता है तो मान के चलिए एक हफ्ते के अंदर 3 जुलाई से लेकर 10-12-14 जुलाई तक फैसला 21,000 सीटों पर आ ही जाएगा। और 21,000 सीटों पर अगर फैसला आ गया दोस्तों, तो आप लोग को जानकारी बता दें, उन 21,000 सीटों में, सुनिए सुनिए कान खोलकर मैं क्या बोल रहा हूँ, उन 21,000 सीटों में से कम 2,000 सीट शिक्षा मित्रों का हो जाएगा, मतलब 2,000 लोग इस 69,000 भर्ती से बाहर होंगे शिक्षा मित्रों में से। शिक्षा मित्र उतने ही बाहर हो सकते हैं मुझे पता है 2,000, लेकिन बाकी 19,000 बीटीसी जो एकेडमिक उठाए हैं, लंबी चौड़ी एकेडमिक उठाए हैं, 70-72 वाले एकेडमिक उठाए हैं, वह बीटीसी बाहर होंगे, और बीटीसी बाहर हो गए तो बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा बीएड के अभ्यर्थियों को, और बीटीसी के जो इस समय तत्काल में जो बीटीसी किए हैं और वह इस भर्ती में पहली बार आए हैं उनको भी मिलेगा, और साथ ही साथ बीएड अभ्यर्थियों को भी मिलेगा। 19,000 एकेडमिक वाले जो भारी एकेडमिक वाले हैं वह इस भर्ती से गायब होंगे अगर उनका 21, हालांकि यह खुशी की बात है कि 21,000 सीटों पर फैसला आ जाता है तो उनका तो चयन सुनिश्चित ही हो रहा है, लेकिन जो अन्य अभ्यर्थी हैं उनके लिए खुशखबरी हो जाएगी कि उनका भी चयन सुनिश्चित हो जाएगा, क्योंकि वह एकेडमिक वाले ही होंगे, क्योंकि जो पिछली भर्ती थी उसमें बीएड तो था ही नहीं, उसमें बीटीसी थे और शिक्षा मित्र थे, और शिक्षा अगर बीटीसी 21,000 सीटों में सफल हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि इसमें फ़ायदा हो रहा है, और एकेडमिक जो भारी एकेडमिक वाले हैं अगर वह उसमें से कम होते हैं तो जो जिनका गुणांक कम है, बीएड वालों का गुणांक आमतौर पर कम होता है, तो उनके लिए फ़ायदा हो जाएगा इसमें, और शिक्षा मित्र रहते हैं तभी फ़ायदा होता है। तो जो बात मैं कह रहा था कि 60% कट ऑफ पर फैसला आता है सुरक्षित हो जाएंगे सभी लोग, अगर 21,000 सीटों पर यह फैसला आ जाता है, 21,000 सीटों का निर्णय आ जाता है, तो मांग के चलिए 55-60 कट ऑफ भी अगर गवर्नमेंट कोर्ट लगा देती है तब भी आप सुरक्षित हैं, हालांकि 55-60 लगेगा नहीं, लेकिन 55-60 कट ऑफ पर भी आप सुरक्षित हैं अगर 21,000 सीटों पर फैसला हो जाएगा तो, और 21,000 सीटों पर फैसला जरूर होगा क्योंकि सभी लंबित मामलों का निस्तारण सरकार चाहती है, और जुलाई के अंदर ही अंदर सभी लंबित मामलों का निस्तारण हो जाएगा। तो दोस्तों ये बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए, इस बात को आप समझ लीजिए, अगर 21,000 सीटों पर फैसला हो गया, 21,000 जो सीटों पर अगर फैसला हो गया तो मान कर चलिए 55-60 कट ऑफ पर भी आप सुरक्षित हैं, क्योंकि 21,000 में से वह बीटीसी बाहर होंगे जो एकेडमिक अच्छा खासा उठाए हैं, वो शिक्षा मित्र बाहर होंगे जो हैं इस भर्ती में बाहर अंक का लाभ लेंगे। तो दोस्तों हालांकि शिक्षा मित्र ज़्यादा नहीं होंगे, शिक्षा मित्र मुझे लग रहा है 21,000 में से 2-2,500, उससे ज़्यादा शिक्षा मित्र इनमें सफल नहीं होंगे, बाकी जो हैं वो बीटीसी ही ले जाएंगे, तो अच्छी बात है अगर बीटीसी भी ले जाएं या शिक्षा मित्र ले जाएं तो कम से कम इस भर्ती में जो बाकी जो लोग हैं उनको इसका फ़ायदा मिल जाएगा। और एक बात बता दूँ, 3 जुलाई पर तो इन 21,000 सीटों पर फैसला होगा बी एस चौहान की पीठ में, और 60-65 कट ऑफ पर सुनवाई जो होगी जुलाई सेकंड वीक में होगी, आमतौर पर 9-10 में, अभी लिस्टेड नहीं हुआ है, 8-10 मान सकते हैं कि इसकी सुनवाई हो जाएगी 60-65 कट ऑफ पर। आप देखिएगा दोस्तों, अब जो बुरे दिन थे अब ख़त्म ज़रूर होंगे, ऐसा हम भी उम्मीद कर रहे हैं और आप भी लोग उम्मीद कर रहे हैं, बहुत अच्छा होगा दोस्तों। देखिए देर हो भले हो जाए लेकिन अंधेर ना हो, बस ध्येय यह होना चाहिए आप लोगों का, देर भले हो जाए ऐसा कुछ, देख कुछ लोग इतने निराशावादी हैं कि पहले भी कहते रहे हैं, जैसे कि जब कोर्ट इस मामले को बार बार लटकाती फिरती थी, बार बार जब डेट पर डेट निकल रहा था, तो कुछ लोग कह रहे थे कि अरे कोर्ट कुछ भी फैसला दे दे, भले हम लोग के विपरीत में दे दे लेकिन फैसला दे दे। देखिए दोस्तों, दिन जाते देरी नहीं लगती है, साल दर साल कब भी जाते हैं देरी नहीं लगती है। देखिए देर भले हो जाए लेकिन सब कुछ अच्छा हो, अगर जुलाई अगस्त तक नियुक्ति मिल रही है तो भले ही हम लोग, वह सब लोग, बहुत लोग भूल जाएंगे जो भी कुछ हुआ,
जुलाई अगस्त तक नियुक्ति हो जाती है तो अच्छा है, कम से कम अच्छे अध्यापक प्राइमरी पाठशाला में जाएंगे। तो यह 60% कटाव पर जो सुनवाई होगी जुलाई सेकेंड वीक में होगी, और इसमें जो है जसप्रीत सिंह हैं, जो जसप्रीत सिंह और पंकज कुमार, संभवतः पंकज कुमार हैं और जसप्रीत सिंह हैं, इन लोगों के बीच में सुनवाई होगी। तो दोस्तों तो यह तो बड़ी बात है, अगर 21,000 सीटों पर फैसला हो जाता है तभी आपको लिए अच्छा है। और एक बात बता दूं, जो एलटी ग्रेड में जो 10,000 सीटें हैं उसमें जो दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई होगी, ऐसा नहीं है कि एलटी ग्रेड का परीक्षा निरस्त हो जाएगा। हालांकि देखिए परीक्षा निरस्त करना कराना कौन चाहता है, देखिए 2 साल लग गए इस एलटी ग्रेड में लोगों का आवेदन करने से परीक्षा देने से देने तक, अब तो 2 साल हो गए, और उसके बाद अगर परीक्षा निरस्त होता है तो उसमें देखिए परीक्षा निरस्त करने की कौन मांग करता है, परीक्षा निरस्त करने की मांग वो करता है जिसका पेपर अच्छा नहीं हुआ है। हालांकि 1-2% लोग उसमें से कुछ घोटाला किए हैं, गलत किए हैं, लेकिन इसका खमियाजा अच्छे विद्यार्थी क्यों भुगतते हैं, ये कोई खेल है? 2 से 2.5 साल 3 साल परीक्षा आवेदन हो, फिर परीक्षा हो, फिर रिजल्ट निकले, उसके बाद निरस्त, यह तरीका नहीं है दोस्तों। तो यह भी होगा हमारे ख्याल से कि एलटी ग्रेड में रिजल्ट आएगा, और एलटी ग्रेड का भी रिजल्ट आता है तो जो उस पर उसकी जांच होगी और रिजल्ट आएगा, बिल्कुल आएगा। और 8 से 10,000 अगर एलटी ग्रेड का भी रिजल्ट आ जाता है तो समझिए इस भर्ती से 8 से 10,000 और गायब होने वाले हैं। दोस्तों आप जान लीजिए, अगर 21,000 सीटों पर फैसला आ जाता है, एलटी ग्रेड का रिजल्ट आ जाता है, हालांकि कुछ लोग केबीएस में भी चले गए हैं, राजस्थान भी चले गए हैं, नौदे में चले गए हैं, काफ़ी लोग इधर उधर सेलेक्ट हुए हैं, तो इस आधार पर मैं समझ रहा हूँ कि अगर 21,000 सीटों पर भी फैसला आ जाता है और एलटी ग्रेड का रिजल्ट और तमाम ऐसे प्रवक्ता का रिजल्ट इस तरह से इशू हो जा रहे हैं तो 55-60 कटाव पर भी आप सेफ हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों सब कुछ अच्छा होगा, और इस बात का जो भी मैं बोल रहा हूँ ये आप बात नोट कर लीजिए, और इसके पहले भी मैं बोला हूँ कि अगर 60% कटाव पर फैसला आता है और 60% कटाव पर भर्ती होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा 85,000 लोग पास होंगे। यह बात मैं पहले भी कहता रहा हूँ, अब भी कह रहा हूँ। और कुछ लोग यह कहते हैं कि अरे सर आप 85,000 लोगों को पास कर रहे हैं और जो पद हैं वो 69,000 हैं, बाकी लोग कहाँ जाएंगे? ऐसे लोगों से मेरा निवेदन है पहले वीडियो देख लिया करिए, वीडियो तो पहले देखते नहीं हैं और पहले ही कमेंट कर देते हैं, यह मूर्खतापूर्ण कार्य मत किया करिए। पर वीडियो देखिए कि हम कहाँ से बोल रहे हैं, हम सब कुछ थंबनेल में ही थोड़ी समझा देंगे आप लोगों को। अरे भाई 25 से 30,000 लोग वो अभी लोग हैं जो ऑलरेडी शिक्षक हैं, और लोगों को यह डर था कि यह क्या हम लोग का जो मामला है यह कोर्ट में है,